हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू vibrantvarsha.com। मैं हूं वर्षा एंथनी। आज मैं शेयर करने वाली हूं आपसे बहुत ही हेल्दी रेसिपी। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट और आपका ब्रेकफास्ट डन। मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही हेल्दी कटलेट्स और ये मैं बनाने जा रही हूं चिकपीस से। अगर आपको मैं कहूं कि आपने चना सैलेड लेना है तो सैलेड खा के अगर आप बोर होते हो तो चने से ये ऐसे डिश बनाइए जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो एंड तक देखते रहिए और मुझे आपके रिव्यू शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। चिकपीस मैंने सोक करके इसे बॉईल करके लिया है, 1 कप लिया है मैंने। इसे हम करेंगे स्मैश। ये 1 पर्सन के लिए रेसिपी है। ये रिच इन प्रोटीन होता है, मैं हमेशा डाइट में इसे लेने के लिए कहती हूं। इसमें मैं ऐड कर रही हूं 1 स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो रिच इन केराटिन रहता है। स्वीट पोटैटो इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस। इसे खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। इसे हम कर लेंगे पील। ये वो हमारा स्वीट पोटैटो जो मैंने बॉइल करके लिया है और फिर इसे मैंने पील किया है। इसे भी हम स्मैश कर लेंगे। वन चॉप ओनियन लिया है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, सॉल्ट स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा आप कितना कम ज्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से ऐड कीजिए। थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला या आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से हाथ से आप मसल लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और फिर इसको कटलेट शेप में आप शेप दीजिए। मीनवाइल आप तवा या पैन गरम करने रखिए। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, वेट लॉस रेसिपी है दोस्तों तो ऑयल का यूज हम कम ही करेंगे। आपको जैसे शेप देना है वैसे आप दे दीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिए और इसे दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लीजिए। नीचे के साइड से ब्राउन होने के बाद आप इसे फ्लिप कर लीजिए दूसरे साइड। ये देखिए, बस इसे अच्छे से दोनों साइड से सेक लीजिए। ये देखिए, दोनों साइड से ये सेक चुका है। फिर हम इसे निकालेंगे प्लेट में। तो लीजिए, हमारी चीक पीस के कटलेट्स रेडी है और इसमें बहुत ही हेल्दी ऑप्शन यूज किया है मैंने, स्वीट पोटैटो को। बहुत अच्छा, हेल्दी, न्यूट्रिशियस ये ऑप्शन है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। करके देखिए और मुझे आपके रिव्यू जरूर शेयर कीजिए। इसे आप खा सकते हो ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ या कर्ड के साथ भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।